हेलो एवरीवन, तो ये है हमारा नेक्स्ट हरिद्वार के अंदर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले मनसा देवी मंदिर जाएंगे फ्रेश व्रेश होके, हर की बॉडी पर नहा के, और फिर अनदर टेम्पल जो हरिद्वार के हैं उन्हें कवर करेंगे आज। यहाँ से बेसिकली इस गली से गाड़ी निकालनी थी, लेकिन गली में जगह काफ़ी कम है, तो हम पीछे से जाके यू टर्न लेंगे और फिर इसी गली से निकालेंगे। गाड़ी के जस्ट पीछे ही दो तीन गाड़ियाँ और रखी हुई है, तो जगह बहुत कम है, तो बैक में रिवर्स करना मे बी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। चलो यहाँ से गाड़ी लेते हैं, फिर आगे जाके यू टर्न करके लेके आ। जैसे ही हम मार्की पौड़ी वाले ब्रिज पे पहुंचे, जहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिला, जिसमें हमें करीबन क्रॉस करने में हमें 1 घंटे के अराउंड टाइम लगा, क्योंकि आगे ही पार्किंग है, जिसकी वजह से आने और जाने दोनों का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हर की पौड़ी पे हमने सुबह जल्दी पहुंचने का ट्राई किया, जिसके लिए हम 8 बजे निकले, लेकिन जैम की वजह से हम 9 बजे तक पहुंचे, और 9 बजे सुबह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, जो भी आप देख सकते हो, हद से ज़्यादा भीड़ है। तो हर की पौड़ी पे गंगा स्नान के बाद हमने वहाँ से मनसा देवी के लिए पैदल पैदल चलना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से मनसा देवी के लिए कोई भी ऑटो वगैरह जून में तो नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से हम पैदल पैदल वहाँ पे जा रहे हैं। और मनसा देवी का वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1 किलोमीटर है। मनसा देवी के रूट में जो हमें भीड़ मिली वो बहुत ज़्यादा ही थी, आपको चलने तक में प्रॉब्लम आएगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। मनसा देवी पर जाने के बेसिकली 2 रूट्स हैं, या तो आप पैदल पैदल ऊपर जा सकते हैं चढ़ाई करके, या फिर आप रोप वे के थ्रू जा सकते हैं। तो हमने रोप वे प्रेफर किया, और रोप वे में हमने टिकट लेके यहाँ पर लाउंज में बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग रोप वे से ही जा रहे थे। हमारा 45 नंबर था, जिसे आने में लगभग 1 घंटा लगा। अभी नंबर आते ही हमने रोपवे के लिए जाना स्टार्ट किया। और रोपवे से जो व्यू है हरिद्वार का वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। अभी ऊपर जाते ही आपको दिखाई भी देगा कि रोपवे से हरिद्वार का ऑल ओवर व्यू कैसा दिखाई देता है। ये जो आपको साइड में रूट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोग चल रहे हैं, ये पैदल पैदल जाने का रास्ता है ऊपर तक, जो कि अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास है। जिन्हें आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो वो रोप वे ही प्रेफर करें, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से आप हरिद्वार का मस्त व्यू देखने के लिए मिलता है ऊपर से। तो ऊपर जाने के बाद इतनी भीड़ थी कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाया, और सभी की हालत ख़राब ही हो गई थी। केवल 2 ही मेंबर सब में से मंदिर के अंदर गए थे, तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हेलो एवरीवन, तो
ऋषिकेश में ट्रैफिक जैम होने के कारण बेसिकली हम यहाँ से सीधे मसूरी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ आज क्या आज पूनो है, आज पूनो है, तो पूनो की वजह से काफ़ी लोग आए होंगे, काफ़ी तो लोग आए होंगे। हरिद्वार तो हरिद्वार आते हैं तो फिर लोग ऋषिकेश भी जाते हैं, तो इस वजह से ऋषिकेश में बहुत भीड़ है, रूट भी डाइवर्ट कर रखा है बहुत ज़्यादा, तो इस चक्कर से हम डायरेक्ट पहले मसूरी जा रहे हैं 2 दिन के लिए, फिर रिटर्न में ऋषिकेश जाएंगे। पहाड़ों पर आने का सबसे बेस्ट रीज़न जो होता है वो है वहाँ के व्यूज़, जो हमें ऊपर से और नीचे से देखने के लिए पहाड़ों से मिलते हैं। बाद बाकी जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो अब हम होम स्टे की सोच रहे हैं कि जैसे ही कोई सही सी जगह मिलती है तो हम वहाँ पर होम स्टे करेंगे, क्योंकि ये रोड के बीच में कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है, तो जो लाइट वगैरह है वो आँखों पड़ती है, तो उसमें ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।